हमारी आंखें फूट क्यों नहीं गई, हमारी कलम टूट क्यों नहीं गई, कलम की स्याही सूख क्यों नहीं गई, विभत्स भयानक हिंसा की पराकाष्ठा, एक दुशासन ने महाभारत करा दी, यहां तो दुशासनों की फौज है। ये बिहार है, ये बिहार के नौजवान है, ये आरा के बेरोजगार है, जिनकी जवानी उस जन्म देने वाली मां जैसी महिला को सरेआम निर्वस्त्र करने में जुटी है। आरा की माओ अपने लाडलों को पहचानो, घर के बुजुर्गों अपने होनहार की शक्लें देखो, ये कौन है, क्या ये आपकी औलादे हैं, क्या आपने इन्हें ऐसे संस्कार दिए। भीड़ में मौजूद हर चेहरे को पहचानने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब मरिए अगर आपने इन्हें अभी तक सलाखों के पीछे नहीं भेजा। अगर आपने इन्हें अभी तक अपने पल्लू में बांध कर रखा है तो आप शर्म कीजिए, उतार फेंकिए अपने को हिंदुस्तानी बिहारी होने का दर्जा। इसे देखिए, इसकी लंगोट देख लगता है अभी अभी कांवड़ यात्रा से लौटा है, और इस भीड़ में शामिल होते ही उसने ऐसी छलांग लगाकर महिला को लात मारी कि बुद्ध महावीर की धरती पाप से भर गई। जो देश के लिए मर मिटने वाले थे वो जन्म देने वाली के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि हमारी कलम की स्याही भी सूख गई। इन तस्वीरों को देखने के बाद हम सोच रहे हैं कि हमारी आंखें इस खबर को लिखने के बाद फूट क्यों नहीं गई, क्या हो गया है, कैसे हो गया, एक दो नहीं बल्कि दुशासनों की इस फौज ने बिहार को मात दे दिया। आरा से चंदन की रिपोर्ट।